हेलो, चैप्टर 1077 आ चुका है अनऑफिशियली। इट वॉज अ फाइन चैप्टर। बात करते हैं ऑन दिस चैप्टर आफ्टर दिस इंट्रो। लेट्स बिगिन। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द थिंग सेंटोमारू सेड। अकॉर्डिंग टू हिम एगहेड आइलैंड के साथ ओहारा से भी ज़्यादा खतरनाक हरकत होने वाला है। सेंतोमारू का ये स्टेटमेंट कि एगहेड को वर्ल्ड गवर्नमेंट पूरा गायब कर देगी, इससे अब कहीं ना कहीं ये कंफर्म हो गया कि वर्ल्ड गवर्नमेंट एगहेड को सेम वे में वैनिश करने वाली है जिस वे में उन्होंने अभी अभी लुलुसिया किंगडम को किया था। यूरेनस यूज़ हुआ था मोस्ट लाइकली लुलुसिया को गायब करने के लिए, एंड इमोसामा सेम चीज़ एगहेड पे भी यूज़ करना चाहता है, करने वाला है। एंड एगहेड भी शायद से आगे आने वाले टाइम पर गॉड वैली, लुलुसिया और ना जाने कितने अननोन आइलैंड जैसे वैनिश हो जाएगा, और आई शुड से इसे भी वैनिश कर दिया जाएगा। नाइस। अब आई डोंट थिंक कि एगहेड के इरेडिकेशन को कोई रोक सकता है अनलेस इमोसामा के मूड स्विंग्स चालू हो जाए, या फिर सैटर्न चीचा को ये लोग अगर बंदी बना लेंगे तो एगहेड में जो भी है, बंदी मीन्स गर्लफ्रेंड नहीं, ठीक है, कैप्टिव वाली बंदी, कैप्टिव वाला बंदी, देन शायद इमोसामा रुक जाए, विच विल बी क्वाइट आयरॉनिकल। आई मस्ट से सिलेस्टियल ड्रैगन एज अ प्रिजनर लमाओ, बट ऐसा होने नहीं वाला, वी ऑल नो दैट। एंड इमोसामा को पर्सनली तो कोई रोक नहीं सकता, राइट? राजा जो है, सर या मैम जो भी है, एगहेड गायब होने वाला है, डैम श्योर अबाउट इट। दिस ऑल्सो कन्फर्म्स अनदर थिंग कि लूफी और वेगापंक और सीपी वाले इधर से बच के निकल जाएंगे मेन कैरेक्टर से। भाई ऐसे कैसे हमारे को उड़न है, राइट? एंड इनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन तुम्हें क्या लगता है कौन सा होगा? गेस करो भाई। बड़े लोग रहते हैं वहाँ पर। अभी एक चूतिया मरने पे वाला है उधर। यस, एलबेफ। एलबेफ आर कमिंग सून गाइज, लेट्स गो। द होल सेराफिम शिट, आह भाई, इट वॉज बोरिंग एज फक, बट ठीक है। जोरो ने सबको बता दिया हाउ टू हैंडल विद सेराफिम। जोरो एक्टिंग लाइक अ लीडर हियर, नाइस। उसका फाइट एक्सपीरियंस अगेंस्ट किंग काम आ रहा है, मस्त, लेट्स गो। अब आई एम श्योर लूफी और सीपी वाले दोनों दल्ले इन सेराफिम को हरा देंगे फॉर श्योर। सीपी वाले क्या ही हराएंगे लमाओ, मेन काम तो लूफी जोरो ही करेंगे। उधर से सांजी भी कूद गया जिम्बे सेराफिम पे। जिम्बे सेराफिम का लोकेशन रिवील हो गया है, आई गेस वो नामी वाले फ्लोर में ही था स्टार्टिंग से। इधर पर ना लेकिन मेरे कुछ सवाल है। पहला कि सांजी दूसरे बिल्डिंग से कैसे आ गया अचानक से? अब वी ऑल नो कि सांजी फास्ट है बहुत, बट स्टिल भाई, इवन इफ ये नामी का स्क्रीम या कुछ सुन लिया, बिल्डिंग बी से सीधा बिल्डिंग ए के थर्ड फ्लोर में आ जाना भाई, अजीब। इससे रिलेटेड आई गेस आगे आने वाले चैप्टर्स में हमें कुछ पता चलेगा। एंड डिड यू नोटिस सांजीज आईब्रो? इस पैनल में जिसमें सांजी लेडी हरकत करके किक मारा है जिम्बे सेराफिम को, वी कैन सी कि उसका राइट आईब्रो नॉर्मल है, बट अगले ही पैनल में सांजी का आईब्रो चेंज हो गया है। दिस सेम थिंग हैपेंड व्हेन सांजी वाज फाइटिंग क्वीन, एंड एग्जैक्टली ऐसा तब हुआ था जब सांजी के जर्मा पावर्स आ गए थे। दिस मीन्स दैट इन द अपकमिंग चैप्टर्स वी आर गोना सी जिम्बे सेराफिम वर्सेस सांजी यूजिंग एक्सोस्केलेटन। वानों के फीट्स वापस से दिखने वाले सांजी के, एंड नॉट ओनली सांजी के, लूफी और जोरो के भी हम हाउशोकू इन्फ्यूजन देख सकते हैं। ओडा ने तीनों लूफी, जोरो, सांजी के लिए फाइट सेटअप कर दिया है, एंड इन सब फाइट्स में आई एम श्योर ये तीनों जीत जाएंगे अगर फाइट इंटरप्ट नहीं होता है तो, दैट इज़। इधर पर आई डोंट गिव अ शिट अबाउट दिस फाइट, सच बताऊँ तो मुझे बस लूफी, जोरो, सांजी या क्रेजी फीट्स देखने, दैट्स इट। वैसे नामी वाले फ्लोर में वी ऑल्सो एडिसन, वो भी पिटा हुआ एडिसन, लिलिथ, उसोप, फ्रैंकी भी इस चैप्टर में पत्थर बनते हुए दिखे हैं। पाइथागोरस भी इनके साथ ही था ना, वो नहीं दिखा इस चैप्टर में। एट दिस पॉइंट सिर्फ हैनकॉक सेराफिम ही है मेन थ्रेट, क्योंकि बाकी तीनों को तो मॉन्स्टर ट्रियो संभाल ही लेंगे, राइट? हैनकॉक सेराफिम को पता नहीं, आई डोंट नो कैसे हराएंगे। एंड एक्चुअली यहाँ पर ना हैनकॉक सेराफिम को हराने से ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा उसके ऑर्डर्स को किसी भी में रोकना, क्योंकि इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली हमें स्टोरी के किसी पॉइंट पे बताया गया था कि हैनकॉक ही बस स्टोन वाले लोगों को वापस नॉर्मल कर सकती है, एंड वो मर जाएगी तो भी उसके पावर्स रिवर्ट नहीं होंगे अनलेस वो खुद अपने पावर्स यूज़ करके नॉर्मल करे। ऐसा शायद मोमोंगा को बोला था उसने, आई एम नॉट श्योर, बट अगर ऐसा है तो हैनकॉक सेराफिम का इनको नॉर्मल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो चीज़ वही कर सकती है। बस कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला ना कि अभी हैनकॉक सेराफिम को कैसे तैसे डिस्ट्रॉय कर देंगे एंड फिर फ्रैंकी लोग को ठीक करने आधी क्रू जा रही अमेज़न लिली। भाई रियल हैनकॉक से ये पावर से रिवर्ट करवाने लगाओ, आई होप ऐसा कुछ ना हो, बहुत बड़ा क्लाउन मोमेंट हो जाएगा भाई। लेकिन ओडा इस लेंडी से रीज़न को यूज़ कर सकता है भाई क्रू को वापस स्प्लिट करने के लिए, हु नोज़। हमें वैसे सेराफिम से रिलेटेड काफ़ी क्रूशल इन्फो मिला एक, कि सी स्टोन से भी वो इफेक्ट होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि डेविल फ्रूट के पावर्स ऐसे ही मिल रहे सेराफिम को। डज दैट मीन कि सेराफिम भी स्विम नहीं कर सकते? आई गेस। शाका भाई गलत सीन हो गया सर के साथ। पीछे से गोली इश रही। दिस पैनल लुक सिक दो राइट। क्या मस्त ड्रॉ किया है ओडा ने भाई ये पैनल, या ओडा के टीम वालों ने, जो भी है। अब शाका मरा तो नहीं है ऑब्वियसली इस गोली से, आई एम श्योर ऑफ इट। दुनिया भर के स्पेयर हेड मिल जाएंगे उसे, लेकिन इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम। एंड क्या शाका पे टाइम है? वी डोंट नो। बाय द वे, हु डू यू थिंक शॉट शाका? सी, वी नो फॉर श्योर कि एक ट्रेटर है अमंग पंक्स, बट क्या ये सच है? आई थिंक सो, या ये सच है। लेकिन आई ऑल्सो थिंक कि ये जो 5 पंक्स है ना, अपार्ट फ्रॉम शाका, इनमें से किसी ने भी शाका को गोली नहीं मारा, क्योंकि अभी तो सारे ही पिटे हुए हैं ना। लिलिथ यॉर्क पत्थर बन गए हैं, एडिसन को जिम्बे सेराफिम पीट दिया, एटलस ठीक है बट वो अकेली नहीं है, पाइथागोरस भी बस मुंडी ही है अभी। तो इधर अंडरग्राउंड वाले लैब पे कोई कैसे आ सकता है राइट, इन 5 में से? बट देन अगेन, अगर इस गन वाले को इस अंडरग्राउंड लैब के बारे में पता है, देन आई मस्ट से कि ये काफ़ी नॉलेज रखता है अबाउट वेगापंक एंड एगहेड। तो व्हाट इफ दिस इज़ अनदर पंक, अ फेल्ड पंक में भी? फेल्ड इसलिए क्योंकि जिस गन से शाका पे गोली चली है वो एक नॉर्मल गन है, कोई स्पेशल गन नहीं। ये चीज़ वैसे मैंने खुद से नहीं सोचा है, रेडिट में किसी ने बोला था एंड आई समहाउ अग्री विद द गाय जिसने बोला। मे बी लिलिथ, एडिसन, पाइथागोरस, एटलस, यॉर्क, इनमें से किसी ने इस फेल्ड एक्सपेरिमेंट, इस फेल्ड पंक को फिक्स किया शायद, पड़ा होगा भाई ये बेकार सा, पता नहीं। एंड नाउ दिस फेल्ड पंक हैज़ जस्ट वन विश, टू सी वेगापंक्स डिस्ट्रक्शन। एंड ये फेल्ड पंक ऑब्वियसली एक पॉन होगा किसी दूसरे पंक का, मे बी। इसके पंक होने की वजह से शायद ये भी सेराफिम को कमांड दे सकता है, या फिर इसको फिक्स करने वाले पंक ने कमांड दिया होगा, हु नोज भाई। अरे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दिस गन वाला कैरेक्टर इज डॉफी सेराफिम, और ये किसी दूसरे पंक के कमांड में शाका को अभी गोली मारा है। दिस इज़ ऑल अ शिटी एज थ्योरी, ठीक है, सीरियसली मत लेना ज़्यादा इसको। आई थिंक काफ़ी जल्दी हमें ट्रेटर के बारे में पता चल जाएगा। बट क्या ये बंदा जिसने, या ये कैरेक्टर, भाई बंदा बंदी क्यों एज्यूम करना, ये कैरेक्टर जिसने गोली मारा है यही ट्रेटर है? दैट्स माई क्वेश्चन। बट आई फील लाइक कि इसी का आइडेंटिटी पहले रिवील करेगा ओडा। नेक्स्ट वीक ब्रेक नहीं है, नाइस। ये गोली वाले बंदे के बारे में आई वॉन्ट टू नो, बंदा क्यों बोल रहा हूँ मैं, कैरेक्टर, या ये गोली वाले कैरेक्टर के बारे में आई वॉन्ट टू नो मोर। वेगापंक शाका अब कैसे बचेंगे, आई वॉन्ट टू नो दैट टू। लूफी, जोरो, सांजी के फीट्स देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। एंड डू यू नो व्हाट एक्साइट्स मी मोर? दिस कॉमिक नेम्ड थ्रैश राइस ऑफ शिडो। दिस इज़ अ ग्रेट एक्शन थ्रिलर कॉमिक। इसके आर्ट से लेकर स्टोरी सब कुछ काफ़ी मज़ेदार है। एंड ये तुम्हें मिलेगा वॉइसमी में, वो भी फ्री में। डू चेक दिस कॉमिक आउट, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। एंड वॉइसमी को भी चेकआउट करना मत भूलना, काफ़ी अलग अलग टाइप के फन कॉमिक्स अवेलेबल है उधर। सो या गो एंड रीड सम क्रेजी एस कॉमिक्स इन वॉइसमी। एंड दैट्स इट। अब नेक्स्ट वीडियो में ये आवाज़ सुनने मिलेगी, तो बाय बाय।